दोस्तों, मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन है और ये भी कोई फिक्स नहीं है। कभी भी कहीं भी हम जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है, तो जहाँ भी जाना होता है वहीं फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अपने गार्डन को बहुत ही प्यार से सजाया है और जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं पर मैं कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स मेरे साथ हमेशा रहें। तो आज मैं आपको फरवरी का लास्ट आने वाला है गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि अभी क्या क्या गार्डन में है और कैसा चल रहा है। तो मेरी छोटी सी बालकनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी गर्मी आने वाली है तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस मैंने बालकनी में किया है और जो भी मेरे ऐसे प्लांट्स थे जो काफ़ी टाइम से पीछे की तरफ मैंने रख रखे थे और आगे सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए थे धूप की वजह से, वो सब मैंने अब बाहर निकाल लिए हैं। ये वाला जो प्लांट है जो छोटी सी बोतल में लगाया था, देखिए कितनी लंबी हो गई है इसकी सारी जो ब्रांचेस हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये पिंक वाली जो टर्टल वाइन है वो है, ये बहुत आसानी से कटिंग से चल जाती है और बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो जितने भी गर्मियों वाले प्लांट्स हैं वो सब मैंने बिल्कुल आगे की तरफ रख दिए हैं। अब जैसे कि गुड़हल के प्लांट, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी छोटी सी बालकनी में 9 गुड़हल के प्लांट हैं, जो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। आप हमेशा, आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपके पास कितने प्लांट हैं, कितने गमले हैं, मैंने कभी नहीं गिने हैं। तो आज मैं देख रही थी कि मेरे पास कितने गुड़हल के प्लांट हैं, तो 9 गुड़हल के प्लांट हैं छोटी सी बालकनी में। और अभी ये जो कानानली का प्लांट है ये भी काफ़ी टाइम से पीछे की तरफ रखा था, वो भी मैंने अब धूप में रख दिया है। और ये विनका के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब भी, क्योंकि ये गर्मियों में यही रौनक रखेंगे बालकनी में। और जितने भी अब विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो तो अभी थोड़े बहुत दिन और चलेंगे बस, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे। तो गुलाब के जितने भी प्लांट्स हैं वो भी सब आगे की तरफ ही रखे हैं धूप में, 3-4 गुलाब के प्लांट हैं। गुलाब पर तो पूरी साल फूल आते रहते हैं, भले कम आए थोड़े बहुत अगर हम केयर करें तो। और ये सारे पिटूनिया, और पिटूनिया को आप देखिए दोस्तों, जितने भी हमारी छोटी छोटी सी जो बास्केट्स होती हैं ये काफ़ी सस्ती आ जाती है मार्केट से, और इसमें आप होल करके इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें प्लांट चले हैं और मैंने 2-2 प्लांट लगाए थे, इतनी कम गहराई में भी देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। सर्दियों के ज़्यादातर प्लांट्स मैंने हैंगिंग बास्केट में ही लगाए हुए हैं, जैसे कि गजानिया, पिटूनिया, डायंथस, और कुछ प्लांट्स नीचे भी हैं, जैसे कि देखिए वर्बीना का एक ये प्लांट नीचे रखा है और एक मेरा बास्केट में भी है। तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं बास्केट में सारे जितने भी सर्दियों के फूल वाले प्लांट्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कम जगह में बहुत ही बढ़िया रहता है बास्केट्स में प्लांट लगाना। और ये मेरा सफ़ेद गुलाब है और इसी के पीछे देखिए तुलसी जी का प्लांट है। इस पर काफ़ी सारे बीज आए हुए थे, अभी मैंने इसके सारे बीज कट किए हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और ये सभी गुड़हल के प्लांट जिनकी प्रूनिंग की थी, और देखिए इनमें नई ब्रांच भी आ गई हैं और कलियाँ भी आने लगी हैं। तो इस टाइम पर प्रूनिंग करना बहुत अच्छा रहता है। मैंने अपने जितने भी प्लांट्स हैं सभी की प्रूनिंग की है, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं, बोगनविला हो या फिर मधुमालती या फिर गुड़हल, सभी की प्रूनिंग की है मैंने और अब सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए हमारा एक्जोरा का प्लांट, एक्जोरा का प्लांट बहुत अच्छे फूल देता है सर्दियों या गर्मी, इस पर लगातार फूल आ रहे हैं। और ये डहेलिया के प्लांट हैं। इसी के पीछे मेरा कोलियस का प्लांट रखा है जिसको पिंचिंग कर करके देखिए कितना घना कर दिया है मैंने, बहुत सुंदर लगने लगा है, उसे बहुत ब्रांच हो गई हैं। उसके पास ही पोनसीटिया का प्लांट है और एक और विनका का प्लांट, और दोनों अपराजिता के प्लांट भी इसी कोने में रखे हुए हैं। उसके पास ही मधुमालती का प्लांट है जिसकी प्रूनिंग कर दी है, और ऊपर ये कुछ बास्केट्स हैं जो मैंने गर्मियों की बनाई हैं, इनमें कटिंग्स लगाई हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो वाइन या वेंड्रिंग जू। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, अभी तक चल रहा है। और ये देखिए नेस्टोरियम का प्लांट, इसके पास ही कुंद का प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसके फूल में। और ये जेट प्लांट जो कटिंग से लगाया था। तो ऊपर सारी जितने भी फूल वाली बास्केट्स हैं वो सब ऊपर टंगी हुई हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए वर्बीना का प्लांट, अभी इस पर बहुत सारी कलियां हैं, बहुत सुंदर फूल इस पर आ रहे हैं। दोस्तों ये
जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनकी आप रेगुलर अगर पिंचिंग करते रहें तो फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और बास्केट्स में लगे हों अगर ऐसे ये प्लांट तो बहुत सुंदर लगते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा जगह ना हो, छोटी सी बालकनी हो गार्डनिंग करने के लिए, तो ये हैंगिंग बास्केट्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं और इनमें प्लांट्स लगने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। चाहे आप फूल वाले प्लांट्स लगाएं या फिर जो हमारे ग्रीनरी वाले प्लांट्स होते हैं वो लगाएं, सभी इसमें बहुत सुंदर लगते हैं और छोटी छोटी सी जगह पर हम कहीं पर भी इनको हैंग कर सकते हैं। तो मेरे ज़्यादातर प्लांट्स हैंगिंग बास्केट्स में ही लगे हुए हैं। ये कुछ हैंगिंग बास्केट्स पीछे की तरफ हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। ये क्रीपिंग चार्ली का प्लांट है, ये भी बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट प्लांट है, काफ़ी लंबा हो गया है। और दोस्तों ये टर्टल वाइन, पिंक टर्टल वाइन, ये तो बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके लिए धूप में रखने के लिए जगह ही नहीं है, वो मैंने पीछे स्टैंड पर रखे हुए हैं। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी और फरवरी के लास्ट का ये ओवरव्यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।